हेलो एवरीवन, आई एम पूजा कोबर। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा से आउट की गई है। वाली है एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने करियर सेक्शन में यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटीज में नो मोर पर क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पे ही प्रोफाइल में रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन बैंक ऑफ बड़ौदा पे क्लिक करने के बाद एक और इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट FREMSMECIC.PDF पर क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ फाइल ओपन होके आ जाएगी। ये मैंने पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लिया है, 22 पेज की फाइल है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन 4 मार्च से स्टार्ट है, लास्ट डेट अप्लाई करने की 24 मार्च 2022 दिया गया है। इसमें वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स दी गई हैं काफ़ी लंबे तरीके से, जैसा कि आप देख रहे हैं पोस्ट स्केल ग्रेड वैकेंसीज एज एजुकेशन पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एवरीथिंग इज गिवन इन दिस पीडीएफ फाइल, जिसे मैंने बहुत ही इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, जिसे समझना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी है। पोस्ट है मैनेजर डिजिटल फ्रॉड में, आपका ग्रेड फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में है। वैकेंसी यहाँ पर आपकी MMG स्केल सेकेंड में है, नंबर ऑफ वैकेंसी 15 है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप BE या BTEC है कंप्यूटर साइंस में या IT में या डेटा साइंस में, या अगर आपके पास ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में है या IT में है, या आपके पास BSc, BC, MCA है तो भी आप इस पोस्ट के एलिजिबल हो सकते हैं। मिनिमम 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इन द वर्किंग सेक्टर IT, डिजिटल एरिया एंड बैंकिंग सेक्टर में। एज लिमिट देख लेते हैं, 24 से 34 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड एज रिलैक्सेशन OBC को 3 ईयर्स की मिलेगी, SC ST को 5 ईयर की दी जा रही है। अगर आप PWD कैंडिडेट है तो अनरिजर्व EWS कैटेगरी को 10 ईयर की होगी। एंड PWD में OBC कैंडिडेट को 13 ईयर, PWD में ही SC ST कैंडिडेट को 15 ईयर्स की एज में छूट दी जा रही है। एंड ये एज रिलैक्सेशन प्रत्येक वैकेंसी पर लागू होगी। एंड सैलरी देख लेते हैं, 48,170 से लेकर 70,180 पर मंथ मिलेगी। साथ में BOB के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सारे अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, यानी अलाउंसेस सभी पोस्ट पर दिए जाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट है क्रेडिट ऑफिसर SME डिपार्टमेंट में, यहाँ पर SMG स्केल 4 में आपकी 15 वैकेंसी है, जबकि क्रेडिट ऑफिसर के लिए MMG स्केल सेकेंड में, जबकि क्रेडिट ऑफिसर के लिए SMG स्केल 3rd में आपकी 25 वैकेंसी हैं। क्रेडिट ऑफिसर की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में मांगा गया है, यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री वाले को। एंड डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फिनांस बैंकिंग फॉरेक्स या क्रेडिट वाले को यहाँ पर आप प्रेफरेंस दिया जाएगा, या अगर आप CA हैं, CMA हैं, CFA तो भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एक्सपीरियंस में मिनिमम 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज एनालिटिक्स इन RBI अप्रूव ट्रेडिंग एजेंसीज में, जो कि SMG स्केल 4 के लिए है, जबकि MMG स्केल 3rd के लिए आपकी 8 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है क्रेडिट अप्रेजल में। SMG स्केल 4 की एज लिमिट 28 से 40 साल के कैंडिडेट यहां अप्लाई कर सकते हैं। एंड सैलरी 76,010 से लेकर 89,890 प्लस अलाउंसेस हैं, जबकि MMG स्केल 3rd में आपके 25 से 37 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 63,840 से लेकर 78,230 प्लस अलाउंसेस यहां पर दिए जाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट है क्रेडिट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस में, SME डिपार्टमेंट में है, यहाँ पर SMG स्केल 4 में आपकी 8 वैकेंसी है, जबकि MMG स्केल 3rd में आपकी 12 वैकेंसी है। क्रेडिट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस की एलिजिबिलिटी सेम है,
ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन में मांगा गया है। प्रेफरेंस यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन वाला डिग्री को दिया जाएगा या डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस बैंकिंग फॉरेक्स क्रेडिट में है, तो अभी आप यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सीएमए या सीए सीएमए सीएफए हैं तो भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। एसएमजी स्केल 4 में 8 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्रेडिट अप्रेजल विद एनी बैंक एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया से। एंड एमएमजी स्केल 3 में 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्रेडिट अप्रेजल विद एनी बैंक या एनबीएफसी से हो सकता है। एसएमजी स्केल 4 की एज लिमिट 28 से 40 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 76,010 से लेकर 89,890 प्लस अलाउंसेस हैं, जबकि एमएमजी स्केल 3 में 25 से 37 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 61,840 से लेकर 78,230 प्लस आपको अलाउंसेस यहां पर दिए जाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट है फोरेक्स एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप मैनेजर की, कॉर्पोरेट क्रेडिट डिपार्टमेंट में है यहाँ पर। एमएमजी स्केल 3 में 15 वैकेंसी है, जबकि एमएमजी स्केल 2 में आपकी 15 वैकेंसी है। एंड ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में मांगा गया है एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग सेल्स को यहां पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। एंड एमएमजी स्केल 3 में मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है पब्लिक प्राइवेट फॉरेन बैंक्स में विद 4 ईयर्स एक्सपोजर इन सेल्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट फॉरेक्स में, यानी कि एमएमजी स्केल 2 को 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, एमएमजी स्केल 3 को 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एमएमजी स्केल 3 में आपके 26 से 40 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 63,840 से लेकर 78,230 सैलरी मिलेगी। एंड एमएमजी स्केल 2 में 24 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 63,840 से लेकर 78,230 आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी प्लस अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। अप्लाई मोड ऑनलाइन है। अप्लाई फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 600 प्लस बैंक चार्जेस हैं एंड टैक्सेस हैं, जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वोमेन के लिए 100 रुपीज प्लस बैंक चार्जेस एंड टैक्सेस हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 24 मार्च 2022 है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जहाँ पर आपको करियर सेक्शन में ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस ओपन होकर आ गया है। सेम आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करना है, देन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। यहाँ पर आपका सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड जो भी टेस्ट सुटेबल होगा, जिसमें ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू भी लिया जाएगा, उसके थ्रू आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एंड परसेंटेज जो होगा वो जनरल कैटेगरी के लिए 40% होगा, जबकि एस रिजर्व कैटेगरी की 35% यहाँ पर आपकी ऑनलाइन टेस्ट में रिटन टेस्ट में होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स पर जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 60% डिसाइड किया गया है एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% डिसाइड किया गया है, यानी कि आपको रिटन में कम से कम 40% मार्क्स लाने हैं एंड जीडी पीआई में कम से कम 60% मार्क्स लाने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है, 1/4 नंबर प्रत्येक रॉन्ग आंसर देने पर डिडक्ट कर लिया जाएगा एंड सिलेक्शन के बाद 1 ईयर का आपका प्रोविजन पीरियड भी चलने वाला है। एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। रीजनिंग से 25% पूछे जाएंगे, मैक्सिमम 25 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से भी 25% होंगे, 25 मार्क्स लिए जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी 25%, 25 मार्क्स। प्रोफेशनल नॉलेज से आपके यहाँ पर 75% पूछे जाएंगे, मैक्सिमम 150 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर आपका प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, जबकि रीजनिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 225 प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके लिए आपको 150 मिनट्स का समय दिया जाएगा। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।